हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। टुडे वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे एडोलेसेंस के बारे में। एडोलेसेंस को हिंदी में बोलते हैं किशोर अवस्था। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस। इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टेन एज दैट ह्यूमन बींग एंड मैनी अदर एनिमल कैन रिप्रोड्यूस। Why can human reproduce only after a certain age? पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस, एनिमल में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। ठीक है, जब हम ग्रो करते हैं तो एक सर्टेन एज ऐसी आती है, एक पर्टिकुलर एज जिसमें हम रिप्रोड्यूस करने के लिए एबल हो जाते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंज दैट टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर व्हेन अ आफ्टर विच अ पर्सन बिकम कैपेबल टू रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम ऐसी एज के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और वो कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। इन चैप्टर 9 यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हेयर वी शैल डिस्कस द रोल ऑफ हॉर्मोन्स प्ले टू ब्रिंगिंग अबाउट चेंज दैट मेक अ चाइल्ड ग्रो इन टू एन अडल्ट। चैप्टर 9 में हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, एंड इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप के जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में वो क्या क्या चेंज करते हैं एक चाइल्ड में, जिससे कि वो ग्रो होके एक अडल्ट बनता है। फर्स्ट आता है हमारा एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। बुजू वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट। बुजू एंड पहेली बिगिन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स। पहेली स्टडीड इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल। She start laughing. She remarked that many of Buju's school friends whom she met after a year had suddenly shot up in height. Some of them were looking very funny with hairy line above their lips. Her mother explained that the boys had grown up. बुजू क्या होता है, अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है तो उसके घर पे उसके बहुत सारे पेरेंट्स फ्रेंड्स आते हैं। बुजू की जो सिस्टर होती है पहेली, वो गर्ल्स स्कूल में पढ़ रही होती है, तो जब वो बुजू के कई फ्रेंड्स को देखती है आफ्टर ईयर तो वो हंसने लगती है। वो उनके जो लिप्स के ऊपर हेयरी लाइन आती है उनको देख के हंसती है, तो मदर बोलती है कि उस पहेली की मदर बोलती है कि ये बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। ग्रोथ बिगन फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 or 11 देयर वी सडन सुपर्ट इन ग्रोथ विच बिकम नोटिसेबल। ग्रोथ, हमारी जो ग्रोथ होती है वो उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है जिस दिन से हमारा बर्थ होता है, लेकिन जब हम 10 से 11 साल की एज में पहुँचते हैं तो ग्रोथ में सडन चेंजेस आते हैं। द चेंज टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। दे नोट इंडिकेट दैट यू आर ग्रोइंग अप। यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकम अ अडल्ट। ये जो चेंजेस 10 से 11 साल के बीच में हमारी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, 10 से 11 साल से जो स्टार्ट होने होते हैं चेंजेस, ये क्या होते हैं, ना ही तो हम इस टाइम पे बच्चे रहते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। मतलब ये एक ऐसा लेवल आता है हमारी एज का जिसमें हम एक अडल्ट बनने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। Growing up is a natural process, the period of life when the body undergo change leading to reproductive maturity is called adolescence. Growing up यानी कि जब हम ग्रो करते हैं, ग्रोथ हमारी होती रहती है, नेचुरल प्रोसेस है हमारी लाइफ का, ऐसा पीरियड जिसमें बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंज आते हैं और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हमारे अंदर आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एडोलेसेंस। एडोलेसेंस बिगिन अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 or 19 ईयर ऑफ एज। जो एडोलेसेंस एज है ये 11 साल से स्टार्ट होती है और इसका एंड होता है 18 से 19 साल तक। सिंस दिस पीरियड कवर द टीन्स, ये जो पीरियड है वो टीन कवर करता है 13 to 18 or 19 ईयर्स ऑफ एज। एडोलेसेंस आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर, इसीलिए एडोलेसेंस को टीनेजर भी कहा जाता है। इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगन अ ईयर और टू ईयर देन इन बॉयज। गर्ल्स के केस में जो एडोलेसेंस पीरियड होता है वो जल्दी आ जाता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये जो एडोलेसेंस पीरियड होता है ये हर एक पर्सन में वेरी करता है। इन ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, दिस चेंज मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं एडोलेसेंस का, जिसे हम प्यूबर्टी बोलते हैं।
The most important change which mark puberty is that boys and girls become capable to reproduction. सबसे बड़ा जो चेंज आता है puberty में वो क्या आता है कि जो boys और girls होते हैं वो reproduction के लिए capable हो जाते हैं. Puberty end when the adolescent reach reproductive maturity. Puberty का end कब होता है? जब एडोलसेंट में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है. चेंजेस इन प्यूबर्टी. अब आता है कि प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस आते हैं. इंक्रीज इन हाइट. सबसे पहले क्या होता है? हाइट इंक्रीज होती है, हमारी हाइट बढ़ना शुरू होती है. मोस्ट ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज सडन इंक्रीज इन हाइट. एकदम से हमारी हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है. एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज द बोन ऑफ आर्म एंड द लेग इलोंगेट टू मेक अ पर्सन टॉल. इस टाइम पे क्या होता है, हमारी आर्म की बोन्स और हमारी लेग की बोन यानी कि हमारे हाथ और पैर की जो भी बोन्स होती है वो बड़ी होना स्टार्ट हो जाती है. इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज बट अबाउट 18 ईयर ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट. बॉयज़ के कंपेरिजन में गर्ल्स बहुत जल्दी बड़ी होती है, जल्दी अपनी हाइट को पकड़ लेती है, लेकिन एक मैक्सिमम एज पे आके 18 या 19 ईयर की एज तक आते आते दोनों अपनी मैक्सिमम हाइट पकड़ लेते तक पहुंच जाते हैं. द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल. सम मे ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन वाइल अदर मे ग्रो ग्रेजुअली. ये जो हाइट की ग्रोथ में चेंज आते हैं वो भी डिफरेंट इंडिविजुअल में वेरी करते हैं. जैसे कुछ एक क्या होते हैं प्यूबर्टी तक बहुत ज़्यादा स्लो स्लो ग्रो होना शुरू होते हैं और कुछ बहुत एकदम से ही बढ़ना शुरू हो जाते हैं. देर इज़ नो नीड फॉर पहेली टू वरी. ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट. सभी पार्ट बॉडी के एक ही रेट पे ग्रो नहीं होते हैं. समटाइम द आर्म एंड लेग और हैंड एंड फीट ऑफ एडोलसेंस लुक ओवर साइज एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन विद द बॉडी. कई बार क्या होता है कुछ लोगों के हाथ पैर बाजू एकदम से बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर बॉडी साइज. जैसे कईयों के हाथ बहुत बड़े बड़े हैं, पैर बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन खुद वो बहुत छोटा सा है, या मतलब डिफरेंट टाइप में वो वेरी करता है. यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट देन ऑफ सम फैमिली मेम्बर. कई बार आपने देखा होगा कि कई बच्चे की हाइट बहुत ज़्यादा लंबी होती है एज़ कम्पेयर टू उसके देयर फैमिली मेम्बर की. मम्मी पापा की हाइट छोटी है, बच्चे की हाइट बहुत लंबी हो जाती है. दिस इज़ बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो पेरेंट्स से जीन मिलते हैं, बच्चे में जो इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स के जीन्स. इट इज़ हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दिस ग्रोइंग ईयर्स. इसीलिए ज़रूरी होता है कि जो भी हमारी एडोलसेंस एज है इसमें हम अच्छा फूड खाएँ. This helps the bones, muscle and other part of body get adequate nourishment for growth. ये क्या करता है? हमारी body को help करता है nourishment provide करने के लिए हमारी bones को. You will find nourishment, nutritional need to adolescence discuss later in this lesson. अब इसमें आगे जब हम पढ़ेंगे chapter में तो हम nutritional food के बारे में पढ़ेंगे कि कैसा food हमें खाना चाहिए. Next आता है हमारा change in body shape. First क्या था हमारा? Change in height, है ना, इंक्रीज इन हाइट. नेक्स्ट आता है हमारा चेंज इन बॉडी शेप. हैव यू नोटिस दैट बॉडी इन योर क्लास बॉयज़ इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर एंड वाइड चेस्ट देन बॉयज़ इन जूनियर क्लास. आपने देखा होगा कि आपकी क्लास के जो बॉयज़ हैं उनके शोल्डर और चेस्ट बहुत चौड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू जूनियर क्लासेस बॉयज़. दिस इज़ बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी व्हेन शोल्डर जनरली ब्रॉडन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ. ये किसका सिंबल है? प्यूबर्टी का, कि वो प्यूबर्टी की एज में आ गए हैं. इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर. और गर्ल्स में क्या होता है? कमर से नीचे का पोर्शन जो है वो चौड़ा होना शुरू हो जाता है. इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन गर्ल्स. दिस चेंज अकरिंग इन एडोलसेंस बॉयज़ एंड गर्ल डिफरेंट. बॉयज़ और गर्ल्स की जो बॉडी शेप स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है. एडोलसेंस एज में ही वो चेंजेस दिखने शुरू हो जाते हैं. नेक्स्ट आता है वॉइस चेंज. डिड यू नोटिस दैट सम टाइम द वॉइस ऑफ सम बॉयज इन योर क्लास क्रैक्स एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स ऑफ द लैरिंग बिगन ग्रो. जब प्यूबर्टी में आते हैं, एडोलसेंस एज में आते हैं, तो वॉइस जो है क्रैक फटने से लगती है लड़कों की आवाज़. ये किसकी वजह से होता है? कि जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है और लैरिंग्स होता है वो ग्रो होना शुरू होता है.
Voice develops large voice box. The growing voice box in voice can see the protruding part of throat called Adam's apple. जब वॉइस का लैरिंग्स बॉक्स ग्रो होना शुरू हो जाता है तो एक उभरा हुआ सा पार्ट उनकी नेक में मतलब नेक में उभार सा आना शुरू हो जाता है उस पार्ट में जिसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं. एडम्स एप्पल क्या होता है? जो बाहर उभरा हुआ सा पार्ट होता है वॉइस की नेक में. इन गर्ल्स द लेरिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज इट इज़ स्मॉल. लेकिन गर्ल्स में जो लेरिंग्स होता है वो बाहर से नहीं दिखता है क्योंकि ये स्मॉल होता है. जनरली गर्ल्स हैव हाई पिच वॉइस वेयर बॉयज हैव डीप वॉइस. इसलिए गर्ल्स में जो होती है हाई पिच वॉक्स होती है, चिल्लाने वाली आवाज़ लड़कियों की वॉइस में ज़्यादा होती है जबकि बॉयज की आवाज़ में ऐसा नहीं होता है. In adolescent boys, sometimes the muscles of the growing voice box go out of control and voice become hoarse. This stage may remain for a few days or week after which the voice become normal. कई बार क्या होता है voice box बिल्कुल हार्स हो जाता है जिसकी वजह से आवाज़ बहुत ही अजीब सी आती है. जैसे जब हमारा गला ख़राब होता है कई बार अजीब सी टूटी फूटी सी आवाज़ आती है और बाद कुछ टाइम बाद वो ठीक हो जाती है. नेक्स्ट आता है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड. स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड ऑयल ग्लैंड्स वगैरह इंक्रीज हो जाती है. ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सेक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेसियस ग्लैंड इंक्रीज. मैनी यंग पीपल गेट वंस एंड पिंपल्स ऑन द फेस एट दिस टाइम बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ दिस ग्लैंड इन द स्किन. अब आपने देखा होगा हमारी बॉडी में फेस पे पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं प्यूबर्टी में जब हम एडोलेसेंट एज में होते हैं. वो क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पे हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स वगैरह होती है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है. डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन. सेक्स ऑर्गन डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली. द टेस्टिस ऑल्सो बिगन टू रिप्रोड्यूस स्पर्म. इन गर्ल्स द ओवरीज एनलार्ज एंड एग बिगन टू मैच्योर. ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स. डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन में क्या आएगा कि जो जब एडोलेसेंस एज में आते हैं तो जो बॉयज़ का पेनिस होता है टेस्टिस होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. गर्ल्स की भी ओवरीज मैच्योर हो जाती है और मैच्योर एग रिलीज होने शुरू हो जाते हैं. रिचिंग मेंटल इंटेलिजेंट एंड इमोशनल मैच्योरिटी. इस टाइम पे बच्चों के अंदर इमोशनल मैच्योरिटीज आनी शुरू हो जाती है. इंटेलेक्चुअल इमोशनल मैच्योरिटी मैच्योरिटी. एडोलसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सनस वे ऑफ थिंकिंग. एडोलसेंस आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस. इस टाइम पे क्या होता है बच्चों के अंदर बहुत सोचने की भी आदत आ जाती है. बच्चे बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं कि हम लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं. वो किसी की भी दबाव को नहीं मतलब सुनना चाहते हैं. अगर कोई उन्हें कुछ बोल जाते हैं तो बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं इस टाइम पे बच्चे. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग. इनफैक्ट इट इज़ ऑफ्टन द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी टू लर्निंग. ये एक ऐसा टाइम होता है एडोलेसेंस का जब हमारा ब्रेन के पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है किसी भी चीज़ को सीखने की. Sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust to the change in body and mind. But the adolescent learner, you should know that there is no reason to feel insecure. These changes are the natural part of growing up. कई बार क्या होता है कुछ एक बच्चे बहुत ज़्यादा चिंता करने लग जाते हैं इस बारे में जो भी इनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं. लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है. इनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए. नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स. इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि क्या क्या चेंजेस आते हैं एडोलसेंस में. रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल इमोशनल मैच्योरिटी, इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन एक्सेट्रा. सारे चेंजेस हमारी बॉडी में एडोलसेंस एज में आते हैं. नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर. इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.